अब इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर देखने वाले, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक बात बता दूं आपको, हर अटेम्प्ट में 10 मार्क का क्वेश्चन इसमें से फिक्स आता है, बोले तो आता है। ओके, तो आपको इससे समझ में भी आ रहा होगा कि रिलेवेंस काफी है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले तो चैप्टर के हेड का नाम समझ के लेते हैं, एग्जैक्टली है क्या प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपको आई होप सबको अच्छे से पता होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच आर हैविंग सम प्रायोरिटीज, ओके, प्रेफरेंशियल राइट्स इसको होते हैं। दो बातों में प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, कौन से? नंबर फर्स्ट, जब डिविडेंड पे होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा और उसके बाद में आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सेकेंड प्रेफरेंशियल राइट होगा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल विल बी रिपेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड आफ्टर दैट इट विल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सीधी सीधी सी बात, दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स को ओवर द इक्विटी शेयर्स। इसके लिए इनका नाम ही क्या रख दिया गया है? प्रेफरेंस शेयर्स। अब और चीज याद रखो, हम लोग इस चैप्टर में इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं देखने वाले। रीजन इज वेरी सिंपल, आप लोगों ने जब सीए फाउंडेशन किया था तो वहां पे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर देखा था, तो वहां पे हमारा प्रेफरेंस शेयर्स हो चुका था। ओके, तो अब हम लोग इस वीडियो में या इंटरमीडिएट में हम लोग सीखने क्या वाले बताना, हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सीखेंगे। ओके, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होगा रीपेमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने इश्यू करे होंगे तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा रीपे करना पड़ेगा, और जो रीपेमेंट है ना उसी को बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले, हम लोग बच्चों रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने वाले, करने वाले। ओके, और इसके बहुत सारे हमको प्रॉब्लम देखने, और जैसे मैं बता रहा हूं इम्पोर्टेंस काफी रखेगा ये आपके पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, तो उस एंगल से भी देखा जाए तो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट बनेगा। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो एक बात बोल दो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात चल रही है तो आप लोग एक चीज याद रखना, ये गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के वक्त अकाउंटिंग वगैरह कैसे करनी कैसे नहीं, ये सब कहां पे दिया गया बताना, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया गया। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, वो चार्ट आप लोग समझ के लेंगे, और वो चार्ट हो गया तो आप पकड़ के चलो आपके चैप्टर का आधा काम खत्म हो जाएगा। ओके, प्लीज बी फोकस्ड। देखो बच्चों, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर करने हैं आपको तो हमेशा याद रखना, वी कैन रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, वी कैन रीपे बैक द प्रेफरेंस शेयर बाय टू वेज ओनली। देर आर ओनली टू सोर्सेस फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब क्या हुआ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो सोर्सेस है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कौन से वो दो सोर्सेस है? तो याद रखना, हम लोग या तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स या फिर आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर्स। ओके, तो बोलने का मतलब क्या हुआ, हमको अगर कभी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते बताना, हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट्स और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। मैं इक्विटी शेयर्स लिखने से अच्छा पहले यहां पे सिर्फ शेयर्स लिखता हूं। ओके, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये बस और बस दो सोर्स है हमारे पास फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इनके अलावा आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर ही नहीं सकते। पहले एक बात समझ के लो, मैंने जो दो सोर्स निकाल दिया उसका हम लोग थोड़ा सा डीप में जाके मीनिंग देखते हैं। देखो, सोच के देखो, आपको जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है तो एग्जैक्टली आपको करना क्या पड़ेगा, एक बात बताओ। जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स करते हो तो क्या करते हो आप लोग? आप लोग शेयर इश्यू करोगे और बदले में आपको पैसे मिलते हैं। ओके, दिस इज इश्यू ऑफ शेयर। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में करना क्या पड़ेगा, आप लोग प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे के रखे थे वो आप लोग उनसे रिकवर करोगे और बदले में उनको पैसे दोगे। इश्यू ऑफ शेयर के टाइम हम शेयर्स देते हैं, पैसे लेते हैं, रिडेम्पशन में उल्टा होगा, हम उनसे शेयर्स लेंगे उनको पैसे देंगे। दिस इज नथिंग बट योर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपको एक बात समझ रही होगी,
जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है, ये हमने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। वेन एवर यू आर इशूइंग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, योर शेयर कैपिटल विल गेट वॉट राइज। बट जब हम लोग किसी से शेयर्स वापस ले रहे हैं, इसका मतलब हम हमारी शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं। याद करो वो फॉरफीचर जो हमने सीखा था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी तो वही हो रहा है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को पैसे देते हैं और उससे शेयर्स वापस से रिकवर कर लेते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे तुम्हारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगी, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर से बढ़ती है कैपिटल, और जब आप रिडीम करोगे, जब आप शेयर्स रिकवर करोगे तो कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, ये बात का ख्याल रखना। दूसरा इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। किसको पेमेंट करना पड़ेगा, उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां दो मोटे मोटे इम्प्लीकेशन हो गए। नंबर वन, एक तो तुम्हारी शेयर कैपिटल कम होगी, रिडेम्पशन से शेयर कैपिटल कम होती है, और दूसरा कि आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिपेमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो पैसा मिला था वो आपको उनको वापस से देना पड़ेगा। ओके, तो ये मोटे मोटे इम्प्लीकेशन होते हैं। तो जो हमको पैसे देने हैं, सवाल ये उठ रहा है कि हम लोग किन किन सोर्सेस से उनको पैसे दे सकते हैं, या मैं बोलूंगा जब रिडेम्पशन कर रहे हो, रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो, तो आप किन किन सोर्सेस से कर सकते हो। तो याद रखना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो सोर्सेस से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। ओके, विच आर दोज टू सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? तो सबसे पहला है आउट ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, जब भी मैं प्रॉफिट बोलूंगा तो इसका मतलब होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिविडेंड। मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसके थ्रू आप लोग डिविडेंड इश्यू कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, उसको बोला जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो आपको अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना है तो आप लोग किन सोर्सेस से कर सकते हो, एक तो आप लोग आउट ऑफ प्रॉफिट से कर सकते हो या फिर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से कर सकते हो। डिविजिबल प्रॉफिट आपके क्या क्या माने जाएंगे, किन किन को आप लोग डिविजिबल प्रॉफिट मान सकते हो या प्रॉफिट मान सकते हो, तो याद रखना हम लोग फ्री रिजर्व्स को डिविजिबल प्रॉफिट मानते हैं। ओके, जो हमारे फ्री रिजर्व्स रहेंगे उनको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट मानते हैं। फ्री रिजर्व का मतलब वही होता है विच इज फ्रीली अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, उनको बोला जाता है फ्री रिजर्व्स। अब फ्री रिजर्व्स हमारे पास कौन कौन से है, तो नंबर फर्स्ट जनरल रिजर्व, नंबर फर्स्ट हमारे पास में जनरल रिजर्व, फिर हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। लेकिन आपको पूरे चैप्टर में ये रेयरली दिखाई देगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, बट फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको सब पता होना चाहिए। देखो ये तीन हमारे फ्री रिजर्व्स माने गए हैं, बोलने का मतलब है आप लोग इन तीन सोर्सेस से इजीली डिविडेंड इश्यू कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, फॉर इशूइंग डिविडेंड या फॉर गिविंग डिविडेंड यू कैन यूज दीज थ्री रिजर्व्स। जनरल रिजर्व इजीली यूज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड यूज कर सकते हो, तो इनको बोलेंगे फ्री रिजर्व्स। तो जब आपको आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना है तो आप लोग इन तीन रिजर्व्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ओके, जब हम लोग बोल रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट तो यू कैन यूज दिस थ्री रिजर्व्स। ये हो गया पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे और उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से हम लोग हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देंगे। ओके, फ्रेश इशू कर दो मतलब नए शेयर्स इशू करो तो पैसा आएगा और उस पैसे से हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर देंगे। मतलब जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है उनको हम लोग रिडीम कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो दीज आर टू सोर्सेस ऑफ योर व्हाट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, हमारे पास दो कौन से सोर्सेस है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के, नंबर फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नंबर टू आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स।
आउट ऑफ प्रॉफिट बोला, प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, विच इज अवेलेबल टू बी इशूड एज व्हाट, डिविडेंड, जिससे आप लोग डिविडेंड दे सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसमें क्या क्या आ रहा है, जनरल रिजर्व आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, और तीसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड भी आता है, बट हमको वो बहुत कम यूज में आएगा, ओके। और इसके बाद लास्ट सोर्स हमारा, दूसरा सोर्स कौन सा है, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, ओके। दिस इज योर बॉन्ड, दिस इज टू सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बट आपको कुछ बातें और याद रखनी पड़ेगी, जैसे नंबर फर्स्ट, देखो बच्चों, हम लोग जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं या करते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने रिडेम्पशन पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकेंगे, तो याद रखना फॉर मैक्स टू मैक्स 20 इयर्स, हम ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर 20 साल तक के लिए इशू कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो वो 30 इयर्स के रिडेम्पशन पीरियड तक भी इशू कर सकती है, लेकिन कंडीशन इज दैट फ्रॉम 21st ईयर 10% उसको क्या करना पड़ता है, सेट असाइड करना पड़ता है या रिडीम करते जाना पड़ता है, ओके। नॉर्मल कंपनीज है 20 साल तक वो मैक्सिमम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं या उतने रिडेम्पशन पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी होगी तो वो क्या कर पाएंगे बताना, 30 इयर्स तक रिडेम्पशन कर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट 20 साल तक कुछ भी रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं, बट 21st ईयर से उनको 10 10 10 ऐसे करके 10 साल में पूरा रिडीम कर देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, दिस इज योर व्हाट, रिडेम्पशन का पीरियड। तो याद रखो, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी हमारे मॉड्यूल में इतना नहीं दिया, जब लॉ पढ़ोगे लॉ में वो बहुत डिटेल में, तो फिलहाल तो हम लोग एक पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड तो ये कितना है बताना, 20 इयर्स, तो ज्यादा से ज्यादा रिडेम्पशन का पीरियड कितना हो सकता है बताना, 20 साल का हो सकता है। सेकेंड थिंग याद रखना, जब भी हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, मतलब हम जब कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना, ओनली एंड ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर या फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। मतलब क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स रहे तो वो कभी भी रिडीम नहीं हो पाएंगे। बोलने का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स ही रिडीम हो सकते हैं, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। फुल्ली पेड आई होप सबको समझता है, मतलब 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, इसपे लेट्स से अभी तक सिर्फ 80 रुपीज ही पेड अप है, ओके, रुपीज 80 पेड है, तो याद रखना ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकता, ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकता। ओनली इफ इट इज फुल्ली पेड, अगर ये 100 का शेयर था, 100 पूरे के पूरे आए हुए थे, तो ही वो जाके क्या हो सकता है, वो फुल्ली पेड वो रिडीम हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी रिडीम, ओके। तो ये हुए आपके बेसिक पॉइंट। हमने क्या देखा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देयर कैन बी टू सोर्सेस, एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्रेश इशू। आउट ऑफ प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट में हमने तीन देखे, कौन सा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड आपको बहुत कम यूज में दिखाई देगा, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा फ्रेश इश्यू से भी कर सकते हो, लेकिन एक बात पे गौर करना चाहूंगा, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, ये चीज याद रखना, आप सिर्फ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इस बात का ख्याल रखना। फिर हमने और दो बातें देखी, मैक्सिमम पीरियड आपका कितना हो सकता है फॉर रिडेम्पशन पर्पसेस, 20 इयर्स, हाँ, बट इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है, 30 साल तक भी रिडीम करो चलेगा, बट उसके लिए कंडीशन क्या है बताना, कंडीशन इज दैट 21st ईयर से उनको 10 10% रिडीम करना पड़ेगा। दूसरी बात, ओनली एंड ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, सिर्फ जो शेयर फुल्ली पेड हो बस उन्हीं को रिडीम किया जा सकता है, बाकी और किसी को नहीं किया जा सकता। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, आप इतना चार्ट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों हम लोग अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, ओके? प्लीज ध्यान से देखना मेरी बात को। अब यहाँ पे जो चीज हम लोग देखने वाले ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ओके? प्लीज बी केयरफुल। देखो हम लोग बोल रहे हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो उसके दो सोर्स होते हैं, ओके? दो सोर्स कौन से होते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। अब एक चीज याद रखना बच्चों, हम लोग वो जो दो सोर्स बोल रहे हैं डेफिनेटली आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स तो है, लेकिन कभी कभी हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको रिडीम करना पड़ता है प्रीमियम पे। प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब क्या है? हमने इश्यू किया था प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज में, बट जब रिपेमेंट की बारी आ रही, मतलब उन लोगों को पैसे देने की बारी आ रही, तो हम 110 रुपीज दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग 10 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो सवाल क्या उठता है बच्चों कि जब भी हम लोग रिडेम्पशन एट प्रीमियम करते हैं तब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। मैं लगा तो चार्ट में भी लिख देता हूं एट प्रीमियम। तो जब आप प्रीमियम पे रिडीम करने की कोशिश करोगे तो हमेशा याद रखना इस चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, एक तो नॉमिनल वैल्यू एक जगह पे और प्रीमियम आपको एक जगह पे डालना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है आपकी फेस वैल्यू, ओके? 100 का प्रेफरेंस शेयर्स है तो 100 विल बी योर व्हाट? फेस वैल्यू। तो आप नॉमिनल वैल्यू अलग करोगे और आपका जो प्रीमियम होगा वो आप लोग वहां पे अलग कर दोगे, ओके? अब हमेशा याद रखना ये जो फेस वैल्यू होती है ना, ये फेस वैल्यू को आपको दो पार्ट में या दो सोर्सेस से आप लोग रिडीम कर सकते हो। हमेशा याद रखना जो हम लोग अभी पिछले ही पर्टिकुलर चार्ट में देख रहे थे कि आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के दो सोर्स होते हैं, एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा आउट ऑफ फ्रेश इशू। ये दोनों के दोनों सोर्स हमेशा दिमाग में रखना, ये नॉमिनल वैल्यू को रिडीम करने के लिए होते हैं। नॉमिनल वैल्यू को रिडीम करने के लिए दो सोर्सेस होते हैं, कौन सा? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। और उसमें भी एक बात याद रखना, आप जब भी आपका प्रॉफिट यूज करते हो, प्रॉफिट में जब भी बोलू तो आपके दिमाग में आना चाहिए जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। डिविडेंड इक्वलाइजेशन तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जब भी मैं प्रॉफिट बोलूं तो वो दो आपके अकाउंट्स आपको ध्यान में आने चाहिए, जनरल रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब भी मैं प्रॉफिट यूज करूंगा फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू, तो हमेशा याद रखना जितना आपने नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उतनी इक्वल अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी पड़ती है CRR अकाउंट को। याद रखना ये बात, व्हाट आई एम टेलिंग हियर, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जितना आपने नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो आपको CRR को इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनर का पूरा ध्यान ये CRR की एंट्री पे होता है, ओके? ये अगर करेक्ट जा रही है तो आप पकड़ के चलो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, अदरवाइज मार्क कटने लगेंगे, ओके? तो याद रखो हम लोग कभी भी CRR को कौन सी अमाउंट डालेंगे, अगर हमने आउट ऑफ प्रॉफिट नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया तो वो हम लोग सीधे उठा के कहां डालेंगे? CRR। ये ना सिर्फ एट प्रीमियम जब हम लोग रिडीम कर रहे तब की ही बात नहीं, जो पिछले चार्ट में हम लोग देख रहे थे वहां पे भी यही बात अप्लाई होती है। वहां पे भी अगर आप लोग क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट को अगर हाथ लगाया तो वहां से इक्वल अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी? CRR को आपको इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ओके? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब एक बात समझ के लेना, जब भी आप लोग जुगाड़ लगाओगे, ओके, जब आपको रिडेम्पशन वगैरह कुछ करना है तो उसका अगर जुगाड़ लगाओगे तो जुगाड़ लगाने की पद्धत क्या होगी, प्लीज एक छोटे से एग्जांपल से समझ के लेना। अब मान लो एक कंपनी है जिसके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ₹4 लाख का, इस कंपनी के पास जनरल रिजर्व्स है ₹1 लाख के और प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है ₹1 लाख का, एज वेल एज इसके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है मान लीजिए 1 लाख का, ओके? तो देयर इज वन कंपनी
जिसके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, ये उसका पूरा बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट आपके सामने आ चुका है। अब कंपनी को अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है, अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम पे कंपनी इज गोइंग टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर। तो एक बात मुझे आप लोग सोच के बताओ, रिडीम करने का मतलब होता है रिपेमेंट करना। क्या रिपेमेंट कर रहे हो? प्रेफरेंस शेयर का रिपेमेंट कर रहे हो। हाँ, काहे पे कर रहे हो? एट प्रीमियम कर रहे हो। तो आपको नहीं लगता कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कितनी है बताना? 4 लाख। कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख। और जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहा हूं, मतलब मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर प्रेफरेंस शेयर? 4 लाख। और इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं रिडीम करना चाहूंगा 10% के प्रीमियम पे। तो आपको नहीं लगता कि टोटल मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा? 4 लाख भाई नॉमिनल वैल्यू के दूंगा और प्लस 10% काय के देने वाला हो? प्रीमियम के। इसका मतलब मैं टोटल कितना पेमेंट करने वाला हो? 4,40,000 का। ओके, ये मैं आपको जुगाड़ लगाना समझा रहा हूं कि कैसे आप लोग क्वेश्चन को टैकल करोगे, कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये आपको समझ के लेना पड़ेगा। पहले देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम पे रिडीम हो रही क्या? जी हाँ। कितना? 10%। तो जोड़ दो तो ये कितना आया? 4,40,000। मतलब हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4,40,000 देने। अब इसका बाइफर्केशन करने लग जाओ, 4,40 में नॉमिनल वैल्यू कितनी, प्रीमियम कितना, साइड में निकालो। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट वाज द नॉमिनल वैल्यू? 4 लाख इज योर नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम कितना? 40,000। तो यहां पे मैं डाल दूंगा रुपीज कितना? 40,000। ओके, यहां पे 40,000 आ गए। अब हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको रिडेम्पशन का काम करना है तो हमेशा सबसे पहले प्रीमियम का काम तमाम करना। प्रीमियम के हमको कितने देने? 40,000। और नॉमिनल वैल्यू के कितने देने? 4 लाख। तो कुछ भी करने से पहले प्रीमियम का काम तमाम करने का। मेरे को एक बात बताओ, प्रीमियम देना है 40,000, मैंने वहां पे क्या लिखा? आप प्रीमियम का पैसा देना चाहोगे तो आप लोग कौन सा अकाउंट यूज करोगे या कहां से आप लोग प्रीमियम का पैसा दे पाओगे? तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब जब मैं प्रॉफिट बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? या तो जनरल रिजर्व या फिर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों से ही आप लोग क्या कर सकते हो? प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज हियर फॉर द पर्पज ऑफ वॉट? फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम। तो रिडेम्पशन के टाइम जो आपको प्रीमियम देना है उसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। इस बात पे मैं आपको होल्ड करना चाहूंगा। एक मैं सेक्शन के तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा, सेक्शन 55। सेक्शन 55 किस चीज का है वो बताता है कि आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां पे यूज किया जा सकता है। ओके, तो वो कहां कहां पे यूज किया जा सकता है? नंबर फर्स्ट, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नंबर टू, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। नंबर थ्री, इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। नंबर चार, बायबैक ऑफ शेयर। नंबर पांच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन शॉर्ट ये पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट का सेक्शन बोलता है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो। काहे के लिए यूज कर सकते हो? फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे तो उसमें अगर प्रीमियम देने की बात आई तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड देयर। तो आप बोलेंगे सर, आप बोल रहे हो कि वो सेक्शन बोलता है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम वहां पे यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और आपने तो यहां पे लिखा है कि नॉट टू बी यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये क्या मान रहा है? तो एक चीज याद रखना, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो उसमें एक सेक्शन है 133 रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो याद रखो, जो कंपनीज को सेक्शन 133 अप्लाई होता है वो कंपनीज सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकती। और
जिन कंपनी को सेक्शन 133 अप्लाई नहीं होता वो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकती। बात क्या रही है, दो पॉइंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। इफ दैट कंपनी इज कंप्लाइंग विद सेक्शन 133 जो रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकता, जो कंपनी कंप्लाई करती है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकती है और जो कंप्लाई नहीं करेगी वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकती है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको ये पूरे चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स देके रखा हुआ है, वो बॉक्स के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे इंटरमीडिएट के लिए आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करना है, बस आप लोग इतनी बात आपके दिमाग में फिट कर दो। ओके, उन्होंने क्लियर कट इंस्टीट्यूट ने हमारे मॉड्यूल में ही एक बॉक्स में लिख के दे दिया है कि आपको फॉर इंटरमीडिएट पर्पस आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करना है। ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करना तो सीधी सी बात, नो बकवास, आपको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट ही वो प्रीमियम का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखो। अब सवाल ये उठता, हम लोगों को 440,000 देने थे, हमने दो पार्ट कर दिए, 400,000 नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम के वहां पे डाले 40,000, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं जब ये दोनों का आपको जुगाड़ लगाना है, मतलब ये पैसे कहां से लाना ये अगर आपको सोचना है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ध्यान रखना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम का जुगाड़ लगाओगे, पहले हमको प्रीमियम का जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो प्रीमियम के लिए एक बात तो तय है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका यूज में नहीं आएगा क्योंकि अभी अभी मैंने बताया फॉर इंटरमीडिएट पर्पस हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। बचता क्या है, बचता है हमारे लिए यहाँ पे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बताओ मैं किसको यूज करूं, तो यहाँ पे आप लोग किसी को भी यूज कर सकते हो। ओके, तो जनरली पीएनएल अकाउंट ज्यादा प्रेफरेबल होगा। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, पीएनएल में से वहां पे 40,000 यूज कर लिए। ओके, तो मैं प्रीमियम जो देना था 40,000 का वो मैं कहां से लेके आ रहा हूं बताना, प्रॉफिट एंड लॉस से 40,000 लेके आ रहा हूं। तो आपको नहीं लगता अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में 0.4 चले गए तो अब इसके पास में 0.6 लाख ही बचे हुए, प्रॉफिट एंड लॉस में आप कितने बचे बताना, 0.6 लाख ही बचे हुए। ओके, लेकिन जो हमको 40,000 प्रीमियम के देने थे तो उसका जुगाड़ तो हो गया, वो पैसे कहां से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहां पर डाल दिया 40,000 का, तो ये जुगाड़ तो जम गया। ओके, प्रीमियम का काम तमाम हो गया। अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह क्या आएंगी क्या नहीं ये सब मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको ये वर्किंग नोट समझनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में यू विल हैव टू डू दिस वर्किंग नोट, ये समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं। तो पहले प्रीमियम का काम तमाम करना, ये दिमाग में फिट करो, हमने प्रीमियम का काम खत्म कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस से। अब बात समझ के लेना, अब ये बात आती है नॉमिनल वैल्यू की। अब नॉमिनल वैल्यू 400,000 की आपको करनी है रिडीम, 400,000 का नॉमिनल वैल्यू आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडीम करना है। तो अब आपके पास में कितने सोर्स होते हैं, तो याद रखना हमारे पास में दो ही सोर्स है, एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा आउट ऑफ फ्रेश इशू। अब एक बात समझाओ, आपको किसी को पैसे देने हैं तो एक आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, पहले आप घर का पैसा यूज करोगे या पहले बाहर का पैसा मंगाओगे। तो सीधी सी बात है, कोई भी बोलेगा भाई हमारे घर में जितना पैसा होगा हम लोग पहले वो यूज करेंगे और अगर उसमें कोई शॉर्टेज हो तो आप लोग बाहर जाओगे। तो आपको नहीं लगता आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब हमारे फ्री रिजर्व्स, हमारे पास में अगर पैसा अवेलेबल होगा तो हम लोग पहले उसको यूज करेंगे और अगर उसमें कोई शॉर्टेज हो तो हम लोग फिर बाहर से पैसा इकट्ठा करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग 400,000 का जुगाड़ कैसे लगाएंगे, तो पहले हम लोग घर का पैसा यूज करेंगे मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोग पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट का मतलब वो दो, कौन सा, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। आप बताओ आपके पास जनरल रिजर्व है क्या, जी हाँ है, कितना है, 1,00,000। प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, है लेकिन कितना है बताना, 60,000 है। देखो 1,00,000 पहले था उसमें से आपने 40,000 यूज कर लिया था प्रीमियम उड़ाने के लिए, इसके लिए बोल रहा हूं जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं वो सीक्वेंस ध्यान रखो, नहीं तो फिर आपकी एंट्री उल्टी पुल्टी होने लग जाएंगी।
पहले प्रीमियम का काम तमाम करना, प्रीमियम के लिए ये जो फ्री रिजर्व्स लग रहे उसमें से यूज कर लेना। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लिया तो यहाँ का 40,000 में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कम हो गया। इन शॉर्ट अब मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का कितना फिगर बचा है, 60,000 का बचा है। ओके, 1,00,000 का मेरे पास जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास में 60,000 का बचा हुआ है। अब एक बात बताओ, मैं जब बोल रहा हूं कि आउट ऑफ प्रॉफिट आप लोग नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे तो आपके पास घर में कितना पैसा है, तो घर में हमारे पास 1,00,000 जनरल रिजर्व के है और 60,000 हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के पड़े हुए है। तो हम लोग 4,00,000 में से 1,60,000 का जुगाड़ कहां से लगा रहे बताना, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल से हम लोग जुगाड़ लगा रहे। 4,00,000 नॉमिनल वैल्यू के रिडीम करने थे, उसमें से 1,60,000 हमने यहां से जुगाड़ लगा लिया। कहां से लगा लिया, हमारे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस से जुगाड़ लगा लिया। बट हमको 4,00,000 रिडीम करने हैं और हमने तो सिर्फ 1,60,000 का ही जुगाड़ लगाया। हमने सिर्फ कितने का जुगाड़ लगाया, 1,60,000 का जुगाड़ लगाया हुआ है। तो हमको अभी भी, आपको समझ रहा होगा, 2,60,000 रुपए या 2,40,000 रुपए फिर भी तो कम पड़ रहे। ओके, 2,40,000 अभी भी आपको कम पड़ रहे। तो सवाल है, अब ये 3,40,000 का जुगाड़ कहां से होगा? तो याद रखना, हमको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए तो दो ही सोर्स दिए, एक है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हमारे पास जितना प्रॉफिट था हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और अब दूसरा एक ही सोर्स बचा है, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, तो आपको 4,00,000 रिडीम करने थे, 1,60,000 का जुगाड़ यहाँ पे हो गया, तो आपको अब 2,40,000 के आपको क्या करने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। कितने के, 2,40,000 के आपको इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, तो जाके आपका यहाँ पे काम हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपको दो तीन काम और करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, 1,60,000 रुपया आप लोग जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस से यूज कर रहे हो, इसका मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट यूज कर रहे हो। काहे के लिए कर रहे हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेकिन क्या नॉमिनल वैल्यू? तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जब भी आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो आपको उतनी इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी CRR को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी हमने 4,00,000 का रिडेम्पशन किया, 4,00,000 की नॉमिनल वैल्यू रिडीम की, रिपे करी, आउट ऑफ प्रॉफिट कितनी करी, 1,60,000, तो इतना ही अमाउंट आपको CRR को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंट्रीज वगैरह क्या होगी उसका सब डिस्कशन होगा, पहले आप लोग ये वर्किंग नोट समझ के लो। तो हमने क्या करना है बताना, यहां से 1,60,000 रुपया CRR को हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा और 2,40,000 के हमको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। देखो, क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया जाता है कि कितने शेयर्स इशू करने कितने नहीं, वो बहुत बार आप ही को बोलते हैं कि चलो रे निकालो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो आपको वहां पे एनालाइज करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है, जब भी हमको, पहले देखो कितनी आपकी शेयर कैपिटल है। यहाँ क्वेश्चन में बोला था 4,00,000 की शेयर कैपिटल, 10 के प्रीमियम पर रिडीम करनी है, तो हमने बोला 4,40,000 तो भाई शेयर होल्डर को देने हैं। फिर जब बोला 4,40,000 शेयर होल्डर को देने हैं, तो मैं आपको बोला कि इसके बनाओ दो पार्ट। क्या दो पार्ट, नॉमिनल वैल्यू अलग करो, प्रीमियम अलग कर दो। नॉमिनल वैल्यू में 4,00,000 डाल देना, प्रीमियम में डाल देना 40,000, क्योंकि प्रीमियम 10% है तो वो 40,000 वहां पे है। नॉमिनल वैल्यू को दो सोर्सेस से आप लोग रिडीम कर सकते हो, कौन से दो सोर्सेस, सबसे पहला आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा फ्रेश इशू। प्रीमियम को हमारे इंटरमीडिएट के पर्पस के लिए, हमारे अकाउंट्स के पेपर के पर्पस के लिए आप लोग हमेशा प्रॉफिट से रिडीम करोगे। ओके, अब सवाल ये उठता, हमारे पास अब इतना सारा फ्री रिजर्व था, जनरल रिजर्व था, पीएनएल था, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, जब बात आई कि दोनों में से पहले किसको खत्म करें, नॉमिनल वैल्यू या प्रीमियम, तो मैंने आपको बोला हमेशा याद रखना पहले प्रीमियम का काम तमाम करना, पहले प्रीमियम को जो पैसे लगते हैं उसका जुगाड़ करना। तो मुझे एक बात बताओ, प्रीमियम को लग रहे थे 40, उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम तो यूज नहीं कर सकते,
तो फिर हमने क्या यूज कर लिया, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक हो सके वहां तक आप लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस यूज करना। तो हमने वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, कितना किया, 40,000 किया। तो जैसे 40,000 यूज कर लिया तो ये प्रीमियम का काम तो तमाम हो गया, लेकिन जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000 था वो अब कितना बचा, 60,000 बचा। अब बात आई नॉमिनल वैल्यू को रिडीम करने की, और नॉमिनल वैल्यू हमको कितने रिडीम करनी थी, 4,00,000। तो ये नॉमिनल वैल्यू को रिडीम करने के दो पार्ट, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। आउट ऑफ प्रॉफिट बोले तो जनरल रिजर्व और आपका प्रॉफिट एंड लॉस। कितना बैलेंस बचा था जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सर जनरल रिजर्व का 1,00,000 था, प्रॉफिट एंड लॉस का 0.6 लाख था, माने 1,60,000। तो हमने बोला 1,60,000 हम लोग नॉमिनल वैल्यू के लिए उड़ाने के लिए यूज करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके पास अब एक ही सोर्स बचता है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, और वो कौन सा सोर्स बनेगा, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो 4 में से 1,60,000 आउट ऑफ प्रॉफिट गए, तो 2,40,000 हमको कहां से लाना पड़ेगा, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हमको 2,60,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने, सॉरी जो भी इक्विटी शेयर्स या जो भी होंगे वो हमको वहां पे इश्यू करने पड़ेंगे। अब इसमें एक चीज याद रखना, यहां पे कभी कभी आपको नंबर्स निकालने को बोल दिया जाता है। देखो 2,40,000 के आपको शेयर्स इशू करने हैं ना, आपको बोल दिया जाएगा कि 10 ईच का एक शेयर इशू करो। तो इसका मतलब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, तो आप बोलेंगे सर 2,40,000 के शेयर्स इशू करने, जिसमें एक शेयर 10 का है, एक शेयर 10 का है, तो आपको यहां पे डायरेक्टली 24,000 की अमाउंट मिलेगी। इन शॉर्ट ये 24,000 शेयर्स आपको यहां पे इशू करने पड़ेंगे, ओके। और दूसरी बात हमेशा ये याद रखना, ये अपनी सुबुद्धि से ये एंट्री मारना, ये मारने के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा। जितना आपने प्रॉफिट यूज किया फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू, उतना आपको बिना बोले ट्रांसफर करना पड़ेगा। CRR फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ओके। इस अकाउंट को आप लोग क्या करेंगे बताना, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ओके। This is all about the working note. ये working note आ जाए, इससे entries frame करना बड़ा ही आसान काम है, okay? तो first of all, you should know all this particular part. तो आप इतना note कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग accounting treatment देखते हैं relating to your preference shares, okay? अब ये redemption के क्या effect होंगे, क्या नहीं, ये पहले सबसे एक बार समझ के लेना। देखो हम लोग दो काम कर सकते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, क्या, एक तो पहले पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आपके पास में ऑलरेडी कैश अवेलेबल हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताना, कई बार हम लोग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर देते हैं, ओके। तो वो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया तो हमारे पास में क्या आएंगी, कैश आएंगी। तो एक बात बताओ, जब भी आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर कर रहे हो तब आपकी एंट्री क्या आएगी, तो सबसे पहला इफेक्ट हम लोग लिखते हैं फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स का, तो इसकी एंट्री तो भाई एज यूजुअल पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप लोग क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। यहां पे आप डायरेक्ट एंट्री मार सकते हो, पैसा आया तो आपने बैंक को डेबिट किया, और क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए ना, और यहां पे जनरली इक्विटी शेयर्स इशू होते हैं, तो शेयर इशू करने पे कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, और आप फर्दर इश्यू करोगे तो कैपिटल आपका और बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, नॉमिनल वैल्यू से क्रेडिट होगा, ओके। हो सकता है कि आपने शेयर इश्यू किए हैं एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पे इश्यू किया होगा, तो प्रीमियम का पैसा कहां पे डाला जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर, तो टू आप लोग यहां पे क्या लिख सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और यहां पे कितने अमाउंट से जाएगा, प्रीमियम की अमाउंट से जाएगा। तो जब आप फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करोगे तो आपके पास में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, जितना नॉमिनल वैल्यू थी उतना इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देना, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर से आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और टू क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम,
क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया? क्योंकि हमको जितना प्रीमियम का पैसा मिलता है हम लोग वो कहां पे डालते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे. ओके, तो ये हुई पहली एंट्री फॉर इश्यू ऑफ योर शेयर्स. अब एक बात बताओ, इतना मेरे पास में पैसा तो अब आ गया. ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ? अब मैं मेरा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकता हूं. तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब भी करोगे तब आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड में होती है कैपिटल, तो उसको ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है. अब मैं बोल रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो जाएंगी, तो इन शॉर्ट उसका क्रेडिट बैलेंस जो है वो खत्म करना पड़ेगा, तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा. तो याद रखो, जब भी मैं रिडेम्पशन की एंट्री मारूंगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट बैलेंस था वो मुझे उड़ाना पड़ेगा, और उड़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा. इस चीज का याद रखना. तो यहां पे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करनी है, तो मैं यहां पे एंट्री क्या मार रहा हूं बताना. मैं एंट्री मारूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब हमेशा याद रखो, ये नॉमिनल वैल्यू से डेबिट होगी. हमेशा याद रखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब भी डेबिट होंगी तो वो हमेशा हमेशा नॉमिनल वैल्यू से डेबिट होती है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है नॉमिनल वैल्यू से, डेबिट होती है नॉमिनल वैल्यू से ही डेबिट होती है और क्रेडिट होती है. ओके, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट इसके लिए किया क्योंकि मेरा कैपिटल खत्म होगा, कैपिटल को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? डेबिट करना पड़ा. हो सकता है कभी कभी आप लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो एट प्रीमियम, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो, तो जब भी आपको प्रीमियम पे रिडीम करना है तो आपको नहीं लगता कि आपको नॉमिनल वैल्यू के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे. देखो, प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब क्या है? मैंने जब इशू किया था तब मुझे 100 रुपए मिले, और अब जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो मैं देते वक्त 110 रुपए दे रहा हूं. इसको बोलते हैं प्रीमियम पे रिडीम करना. आए कम गए ज्यादा, आए 100 गए 110, तो आपको नहीं लगता 10 रुपए आपने ज्यादा का पेमेंट किया, 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा का पेमेंट किया, तो ये आपके लिए लॉस जैसा ही तो हुआ. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड अकॉर्डिंगली आपको डेबिट करना पड़ेगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को. याद रखो, यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम बीच में मत लाना. सिक्योरिटीज प्रीमियम कब क्रेडिट होता है? जब आप इशू ऑफ शेयर करते हो प्रीमियम पे, तब जाके आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा. बट यहां पे बात किसकी चल रही है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की. तो रिडेम्पशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम बीच में मत लाना, वो इशू के टाइम आएगा. जैसे हमने यहां पे इशू किया था प्रीमियम पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया, अब यहां रिडेम्पशन कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट मत करके बैठना. तो यहां पे हम लोग डेबिट किसको करेंगे? प्रीमियम पेबल या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट. ओके, और ये कितने से डेबिट होगा? प्रीमियम से डेबिट होगा. देखो क्या क्या किया हमने, हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री मार रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म होगी, खत्म करने के लिए उसको डेबिट किया, लेकिन कितने से? नॉमिनल वैल्यू से. और अगर तुम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट करना पड़ेगा. ये किस हैसियत से डेबिट कर रहे हो? क्योंकि ये तुम्हारा लॉस है. 100 आए थे, दे रहे 110, 10 रुपए ऊपर दे रहे, तो तुम्हारा ये लॉस हुआ. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे. ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, ये नॉमिनल वैल्यू को आपने डेबिट किया, प्रीमियम को डेबिट किया, ये पैसा देना किसको है? तो ये पैसा हमको देना बाकी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो जिसको देना बाकी होता है उसका अकाउंट हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं. तो अकॉर्डिंगली ये दोनों अमाउंट्स देनी बाकी है. किसको देनी बाकी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो आप लोग टू करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट. दिस इज द एंट्री ऑफ योर रिडेम्पशन. ये हमने मारी रिडेम्पशन की एंट्री. क्या मार रहे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये हम लोग यहां पे एंट्री पास करने वाले। इसके बाद देखो, इसको आपने पेबल बताया है, जब किसी का अकाउंट आप लोग क्रेडिट करते हो ना, इसका मतलब होता है उसको बंदे को देना बाकी है। तो क्या आप सिर्फ देना बाकी है ही बता के छोड़ दोगे? जी नहीं, उसको एक्चुअल में पेमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो जब पेमेंट दोगे तब हम लोग क्या एंट्री मारेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो ना, देना बाकी है इसके लिए क्रेडिट कर दिया, तो जब दे दोगे तो उसके अकाउंट को आप लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो यहां करते हैं पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्या एंट्री आएगी? क्योंकि आप पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो तो उसका अकाउंट आप लोग डेबिट करोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बट क्या जाएगा? पैसा जाएगा, तो बैंक आपको यहां पे क्या करनी पड़ेगी? क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, टू क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट। ओके, देखो सीक्वेंस देखो, पहले पैसे का जुगाड़ लगाया, पैसे आए शेयर्स इशू करके बैंक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किया, तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट में दिख रहा था उसको उड़ाना पड़ेगा, उड़ाने के लिए उसको डेबिट कर दिया नॉमिनल वैल्यू से। प्रीमियम अगर उस पे देना है तो प्रीमियम डेबिट कर दिया, और टू यहां पे क्या कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, मतलब उसको देना बाकी है ऐसा बता रहे हो क्रेडिट करके। फिर नेक्स्ट एंट्री में उसको पेमेंट दे दो, दोगे तो उसके अकाउंट को डेबिट करो और बैंक क्रेडिट हो जाएंगे। बट इतने पे काम खत्म नहीं होगा, आपको और दो काम करने बाकी है। आपके सुबुद्धि से आपको दो काम करने पड़ेंगे। काम नंबर वन, मेरे को एक बात बताओ, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट तो किया, बट याद करो मेरे डायग्राम, याद करो पिछला क्वेश्चन, 4 लाख नॉमिनल वैल्यू, 40,000 प्रीमियम के, मैंने आपको बोला था कि प्रीमियम का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आपने बोला था सर प्रॉफिट एंड लॉस से लगा लेते, तो हमने वहां 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस से दे मारे थे। तो इन शॉर्ट ये जो प्रीमियम है ना, इसको उड़ाना पड़ेगा, इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये सेट ऑफ कहां से होगा? हमने उस पर्टिकुलर चार्ट में बोला था प्रॉफिट एंड लॉस से सेट ऑफ करेंगे, तो अकॉर्डिंगली इसको डेबिट दिख रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को डेबिट दिख रहा है। मैं बोल रहा हूं इसको उड़ाओ, क्यों? क्योंकि इसका जुगाड़ हमने कहां से लगाया? प्रॉफिट एंड लॉस से लगाया, तो इसको उड़ाना पड़ेगा, उड़ाने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा राइटिंग ऑफ ऑफ प्रीमियम, ये प्रीमियम को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ की क्या एंट्री पास होगी? ये प्रीमियम डेबिट हुआ ना, इसको उड़ाने के लिए क्रेडिट कर दो, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। डेबिट किसको करना पड़ेगा? भाई पिछले डायग्राम में हमने देखा कि हम प्रेफरेंस शेयर को या उसके प्रीमियम को रिडीम करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर रहे हो तो उसी अकाउंट को यहां पे डेबिट होगा, उसका लॉजिक भी है बॉस। प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रीमियम को रिडीम करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? वो है रिजर्व, रिजर्व लाइबिलिटी में आता है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस यूज करें तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला? 1 लाख का बैलेंस था, उसमें से 40,000 यूज कर लिया तो बचा कितना था? 60,000। इसका मतलब तुमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कम किया। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में है, उसको क्रेडिट बैलेंस है, और जब तुम यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ फॉर प्रीमियम, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कम होगा, और वो कम करना है, लाइबिलिटी कम करनी है, क्रेडिट कम करना है, तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग यहां पे डेबिट कर देंगे। हो सकता है कभी कभी यहां पे जनरल रिजर्व भी आए, बट जहां तक हो सके प्रॉफिट एंड लॉस ही आपका आएगा। ओके, हाँ जब ये नहीं रहा तब जनरल रिजर्व को लेके आएंगे। ओके, तो ये हुई आपकी राइटिंग ऑफ प्रीमियम की बात। तो हमारा रिजर्व, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यूज में आया उसको उड़ाने के लिए, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और टू क्या कर दिया? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर दिया।
तो यहां जो ये डेबिट में दिख रहा था तो ये बैठ गया, क्रेडिट होके खत्म हो गया और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी कम हुआ ये डेबिट करने की वजह से। ओके, बट यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती। एक एंट्री आपको आपके सुबुद्धि से मारनी पड़ेगी। कौन सी एंट्री मारनी पड़ेगी? मैंने आपको बोला जब भी आप लोग आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करोगे, नॉमिनल वैल्यू रिडीम करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ती है सीआरआर को। अब जैसे वो चार्ट याद होगा तो हमने 1,60,000 रुपया यूज किया था नॉमिनल वैल्यू को रिडीम करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी कहां पे, सीआरआर को। और लेकिन वो 1,60,000 जो मैं अभी पिछले चार्ट में बता रहा था, 1,60,000 का डिनोमिनेशन क्या था, 1,00,000 का जनरल रिजर्व था, 60,000 का तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस था। तो हम लोगों ने वो दोनों अकाउंट यूज कर लिए फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सीधी सी बात है, वो दोनों पे रिजर्व्स है, क्रेडिट बैलेंस है उनको, तो जब आप यूज कर लोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस था, वो खत्म होगा, तो खत्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दोनों रिजर्व हम लोग यूज कर ले रहे ना फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसके लिए हमको इनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दे वेर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो उड़ाने के लिए डेबिट करेंगे। बट ये बैलेंस आप लोग ट्रांसफर कहां पे कर रहे हो, तो ये बैलेंस आप लोग सीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। अरे नाम में ही क्या है, सीआरआर, आर माने रिजर्व, लास्ट आर माने रिजर्व, रिजर्व है लाइबिलिटी में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब आप जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस सीआरआर में डाल रहे हो तो सीआरआर का बैलेंस बढ़ेगा, तो वो बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे सीआरआर अकाउंट क्या करने वाले हो, क्रेडिट करोगे। ओके, ये एंट्री आपको आपके मन से मारनी पड़ेगी। कब की बात है, लेकिन ये एंट्री कब आएगी, जब आपने प्रॉफिट से आपने अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया होगा, नॉमिनल वैल्यू रिडीम करी होगी, तो जाके ये एंट्री आपको दिखाई देगी। ओके, लेकिन एक चीज याद रखो, जब भी आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट पार होता है तो आपकी ये एंट्री नहीं दिखेगी, ये प्रीमियम वहां पे आपको नजर नहीं आएगा। बट इतने सिंपल तो एंट्रीज वो लोग डालते नहीं एग्जाम में, उनका जनरली प्रीमियम वगैरह वहां पे सब होता ही है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हमने उसका मीनिंग देखा, कहां कहां से हो सकता है वो देख लिया, और हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लिया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब अगले लेक्चर से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।